गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल स्टार्ट एक्सरसाइज 36 एंड टुडे आई विल टीच यू हाउ टू ऐड द फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस को कैसे ऐड किया जाता है। व्हेन वी हैव द सेम डिनोमिनेटर वी कैन ऐड डायरेक्टली द न्यूमरेटर्स। अगर हमारा फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर्स को डायरेक्टली ऐड किया जा सकता है। सी क्वेश्चन नंबर वन, हियर इज़ अ फिगर। यहाँ पर पहले टोटल पार्ट्स काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। टोटल पार्ट्स कितने हैं? 5। तो पहले फर्स्ट पार्ट शेडेड है तो उन्होंने बनाया 1/5 प्लस देन के लास्ट के 3 पार्ट शेडेड हैं तो 3/5। अब इनको ऐड करना है तो कैसे ऐड करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन कॉमन डिनोमिनेटर। कॉमन डिनोमिनेटर क्या है? 5, तो वो वन टाइम आएगा और न्यूमरेटर्स को ऐड कर लेंगे तो 1 + 3 = 4। ऐसे ही देखिए, कॉमन डिनोमिनेटर यहाँ पर क्या है? 6, तो वो वन टाइम आएगा और न्यूमरेटर्स डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे 2 + 3। 2 + 3 = 5, देन 5/6। यहाँ पर देखिए, कॉमन डिनोमिनेटर क्या है? 10, तो कॉमन डिनोमिनेटर एक ही टाइम आएगा। देन सम ऑफ न्यूमरेटर्स यानी 3 + 4, तो 3 + 4 कितना होता है? 7। यहाँ पर कॉमन डिनोमिनेटर क्या है? 9, तो कॉमन डिनोमिनेटर वन टाइम आएगा। सम ऑफ न्यूमरेटर्स 2 + 6 यानी 8/9। यहाँ पर कॉमन डिनोमिनेटर क्या है? 11, तो 11 वन टाइम आएगा। और सम ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में क्या है? 2, 1 एंड 4। 4 × 1 = 5, 5 × 2 = 7, 7/11। इस तरीके से हम फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम। सम कैसे फाइंड आउट किया जाएगा? 1/6 + 3/6, तो कॉमन डिनोमिनेटर को आप एक ही टाइम लिखेंगे और न्यूमरेटर्स को डायरेक्टली ऐड कर दिया जाएगा, यानी 3 + 1 = 4, तो 4/6। यहाँ पर देखिए, 3/8 + 4/8, तो कॉमन डिनोमिनेटर को एक ही टाइम लिखा जाएगा 8, और सम ऑफ न्यूमरेटर्स यानी 3 + 4, तो 3 + 4 = 7, 7/8। कॉमन डिनोमिनेटर यहाँ पर क्या है? 11, क्योंकि यहाँ पर भी 11 है, यहाँ भी 11 है, यहाँ भी 11 है, तो कॉमन डिनोमिनेटर वन टाइम आएगा और न्यूमरेटर्स ऐड होंगे 5 + 3 + 2 = 5, 3, 8, 8 और 2 = 10, तो 10/11। नेक्स्ट टाइप देखिए, ऐड करना है आपको 8/11 and 2/11, क्योंकि हमें ऐड करना है तो एंड हटाकर क्या आएगा? साइन प्लस, तो एंड को आप रिप्लेस करेंगे प्लस से, तो 8/11 + 2/11। इसके बाद सेम डिनोमिनेटर है तो कॉमन डिनोमिनेटर वन टाइम और न्यूमरेटर्स का सम यानी 8 + 2, तो 10/11। ऐसे यहाँ पर 5/14 and 3/14, तो एंड रिप्लेस होगा प्लस से, कॉमन डिनोमिनेटर है तो वो वन टाइम आएगा और सम ऑफ न्यूमरेटर्स यानी 5 + 3, तो 5 + 3 = 8, 8/14। यहाँ पर देखिए, 3 फ्रैक्शंस हैं तो 1/10 कॉमा रिप्लेस होगा प्लस से, 3/10 एंड रिप्लेस होगा प्लस से 4/10। तीनों में कॉमन डिनोमिनेटर है 10, तो कॉमन डिनोमिनेटर जो है वो आपका वन टाइम आएगा, कॉमन डिनोमिनेटर 10 और सम ऑफ न्यूमरेटर्स 1 + 3 + 4, तो 3, 4, 7, 7 और 1, 8, 8/10। यहाँ पर 2/12 प्लस कॉमा 3/12, तो कॉमा रिप्लेस होके प्लस, एंड रिप्लेस होके प्लस, कॉमन डिनोमिनेटर और सम ऑफ न्यूमरेटर्स 2 + 3 = 5, 5 × 5 = 10, 10/12। तो